के गुजिया, पी के भंग, लगा के थोड़ा थोड़ा रंग, बजा के ढोलक और मृदंग, आओ खेले होली हम। नमस्कार, मैं हूँ आरती सिंह, लेकर आई हूँ होली पर स्पेशल प्रोग्राम रंग दे गुलाल मोहे। तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ सब एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रही हैं और इस तरह से होली सेलिब्रेट की जा रही है। और देखिए देखिए देखिए, पूरे रंगों से सराबोर हो रहा है पूरा माहौल। तो मैं इन्हीं से पूछती हूँ, यहाँ यहाँ इस तरह से तो होली खेली जा रही है, लेकिन क्या होली का जो अंदाज, मुझे यहाँ लग रहा है कि मैक्सिमम महिलाएं जो है वो शादीशुदा है। तो शादीशुदा महिलाओं से पहले सवाल पूछ लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि शादी के कितने साल हो गए आपको? हम लोग का 93 में शादी हुई थी। क्या पहली होली याद है? हाँ, ससुराल की। हाँ, हमेशा हम लोग बहुत मस्ती किए हैं होली में। पहली होली ससुराल में किसके साथ ज्यादा मजा आया? वैसे पहली होली हम लोग मायके में ही मनाए थे, तो पतिदेव आए होंगे ना मायके, तो सालियों के साथ उनको ज्यादा मजा आया। सब पूरे फैमिली, हम लोग हमेशा मतलब होली में पूरे फैमिली ही मिलते थे। मैडम, ये बताइए आपने पहली होली कहाँ मनाई? मेरी पहली होली कैसे? शादी होने के बाद तो पहली होली मैं मनाई थी गांधीनगर गुजरात में। पतिदेव नहीं, उस बार पतिदेव साथ में नहीं थे। ओहो, देखिए तो अकेले होली सेलिब्रेट किया? नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में की, अफसोस रह गया। देखिए ये पहली होली, ये इनकी कैसी यादगार होली है कि शादी के बाद पहली होली पतिदेव साथ नहीं, ससुराल वाले साथ नहीं, मायके वाले भी साथ नहीं, सीधे अपने दोस्तों के साथ। मैम, बहुत लंबा वक्त बीत गया होगा शादी का, कुछ ऐसी यादें जो अभी भी आपको एकदम एक्साइटेड कर देती होंगी होली को लेकर? हाँ, बहुत एक्साइटेड कर देती है कि होली, हम लोग हर वक्त, हम लाख बाहर रहते थे लेकिन होली के दिन अपने ससुराल ही आते हैं, कहीं भी जाते हैं लेकिन घर छोड़ के होली नहीं मनाते। पूरे 100 की फैमिली है, हम लोग 100 फैमिली होली मना, और अभी तक ज्वाइंट फैमिली चल रही है। अभी भी ज्वाइंट फैमिली है हम लोग का, अभी सब बाहर रहने लगे जब सब जॉब में आ गए। मैडम, होली कैसे स्पेशल मनता है? मेरे घर का होली कुछ अलग ही रहता है। भांग नहीं, भांग सोचिए, उससे भी डबल, उससे भी डबल। क्या स्पेशल, जरा बताइए। मेरे देवर लोग हैं 3-4 जन, वो होली एक दिन पहले मिट्टी को बगान में रखा लिए, उसको फुला देते हैं, गड्ढा टाइप का बनाते हैं और पानी मिट्टी सब रंग के साथ घोल के रख देते हैं। से ज्यादा मिट्टी पानी से खेलते हैं भाई। ये होली तो बहुत भयानक होली। देखिए, ये जो बोलते हैं ना, धुरखेल एक शब्द होता है, अगर आप बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में जाएंगे और इनफैक्ट बिहार में घुसेंगे तो ये एक शब्द जो, एक टर्म जो है, ये होली में बड़ा यूज होता है। आपके साइड की होली कैसी? एक्चुअली मेरा पूरा मोहल्ला वो बिहारी है। शादीशुदा नहीं है, मैरिड है, तो होगी शादी को 12 साल हो गए, लेकिन शायद देख के नहीं लग रहा होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। थैंक यू। क्या, किसके साथ होली खेलना ज्यादा पसंद है? नहीं, मुझे तो एक्चुअली हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो मोहल्ला है, उसमें 3 दिन तक होली चलती रहती है, जो हमारे पिस्का मोड़ में। तो जिस दिन होली होती है उस दिन जो मतलब सासू माँ लोग हैं उनकी टोली निकलती है, क्योंकि उस दिन हम लोगों का बहुत सारा पकवान और ये सब बनाने और लोग आते हैं। वो सब छोड़िए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, होली किसके साथ ज़्यादा रंगीन है? नहीं, ऑफकोर्स फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ। हाँ बिल्कुल, नहीं, पतिदेव के साथ। देखिए, पतिदेव के साथ होली का ये है। तो ये अलग अलग रंग हैं कि होली लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और कितना भी कुछ भी हो लेकिन सभी के जहन में, और खासकर एक महिला के जहन में, एक वुमन हमेशा ससुराल जाने के बाद अपनी पहली होली याद रखती है, चाहे वो ससुराल में सेलिब्रेट करे या फिर अपने पति के साथ मायके में पहुंचे होली मनाने के लिए। तस्वीरें देख सकते हैं, ये नशा है
रंग का, ये नशा है गुलाल का और ये नशा है होली का, और ये नशा यूं ही नहीं उतरने वाला। और हम यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा पूछते हैं कैसा कैसा मजा आया। बहुत मजा आया। मैं और सवाल पूछती हूँ, एक मिनट ये बताइए मैम, ये कैसा नशा? ये शराब का नशा जो बिना पिए चढ़ जाता है। ये देखिए ये नशा बिना चढ़े बिना पिए चढ़ता है, बिना पिए हम लोग टल्ली हो जाते हैं। अच्छा देखिए ये बिना पिए टल्ली कैसे हो सकते हैं, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। कैसा नशा है ये? ये रंग का नशा है, रंग का नशा है, ये गुलाल का नशा। क्या बोलेंगे? रंग का नशा, जिसके लिए शराब की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है शराब की, जरूरत नहीं है बस नशे में। ये देखिए और ये नशा सर चढ़कर बोल रहा है और हम भी इसमें शामिल होते हैं। तब तक आप कुछ और तस्वीरें दिखाइए, हम इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और इन नशे में झूमते हैं। बगैर शराब बिना भंग के रंग का नशा, और एक ऐसा नशा जिसके लिए किसी भी नशे की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत है तो बस दिल में खुशहाली की और एक ऐसे जज्बात की जो आपको ही नहीं आपके आसपास रहने वालों को भी खुश कर देता है। तो ये नशा और ये रंग, ये तस्वीर और भी दिखाएंगे हम, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद ये सिर्फ ऐसा नहीं आपको बताया कि होली का पर्व जो है ये सिर्फ इस नशे को या फिर इस हुल्लड़ हुड़दंग को नहीं दिखाता, एक ऐसी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जो इसे कैसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ता है। तो रुकिएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नशा मेरे चढ़ भी मेरे सर पर भी चढ़कर बोल रहा है, तो आप लीजिए थोड़ा सा ब्रेक, मैं भी लेती हूँ ब्रेक। उसके बाद शामिल होंगे होली पर कैसे भजन गा रही हैं महिलाएं। से ऊपर होली हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, और धार्मिक मान्यताएं अगर हैं तो ऐसा कैसे हो कि भजन और कीर्तन ना हो। तो हम इस मंडली के साथ बैठे हैं, यहाँ पर हम सुनेंगे होली पर एक प्यारा सा भजन कीर्तन जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर करेगा कि एक तरफ होली का वो दूसरा पक्ष जो हमने देखा, और एक तरफ ये है जो एक पूरे रीति रिवाज के साथ पूरी परंपरा को, भारतीय रीति रिवाज को कैसे बांधता है। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन कीर्तन होली के विशेष अवसर पर। देखिए ये अगर मैं आपको बताऊं कि इनके कहने का अर्थ क्या है, तो आपने ब्रज की होली सुनी होगी जहां पर राधा और कृष्ण का वर्णन होता है, लेकिन इस कीर्तन में भगवान राम का वर्णन हो रहा है, मिथिलांचल का वर्णन हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भगवान राम को अगर होली खेलना है, उनके साथ होली खेलनी है, तो किनके हाथों में पिचकारी है और किनके हाथों में अबीर गुलाल। पूरी सुनिए ये इसका लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए आप इस कीर्तन का, सराबोर हो जाएंगे आप।
कहा था कि अलग अलग रंग है और इस गाने के जो शब्द हैं वो कितने गूढ़ हैं, आप समझिए थोड़ा सा। ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर राम जी अगर उनकी अगर धोती अगर पीली है तो कैसे उनकी चुनरी भीगी है, सीता मैया सीता की चुनरी कैसे भीगी है, तो ये भीगी है सीता मैया की चुनरी और यह सब होली के रंग है। तो भगवान कैसे होली खेल रहे हैं उसका वर्णन इस गीत में, इस भजन, इस कीर्तन में। पूरा भजन सुनिए, आनंद विभोर हो उठेंगे आप। पूरा भजन सुनिए, कर्णिन गए कि भजन और कीर्तन उतना ही मायने रखता है, उतना ही इसका भी महत्व है, क्योंकि भजन और कीर्तन इसे एक परंपरा से जोड़ता है और ये हमारी परंपरा है कि हमारा कोई भी त्यौहार, हमारा कोई भी अनुष्ठान बगैर धार्मिक रीति रिवाजों के संपन्न नहीं होता और ना ही इसकी शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत और संपन्नता इस भजन कीर्तन के साथ, और उम्मीद है कि आप सबने भी इसका खूब आनंद उठाया होगा। ओ रंग भर के चुनर तूने ओढ़ी जसर पे, ओ आज मौज में झूमे सारे भांग रगड़ के, ओ रंग भर के चुनर तूने ओढ़ी जसर पे, मौज में झूमे सारे भांग रगड़ के। ये तस्वीर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ कोई नशा नहीं, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ये कोई नशा नहीं है, ना ही भांग है, ना ही शराब है और ना ही कुछ और है, नशा है सिर्फ और सिर्फ होली का और रंग का। मैं भी थोड़ा शामिल होती हूँ, आप तस्वीरें दिखाई कौशल चला आ गई। तो होली की बात हो रही है, रंग के रंग में डूबने की बात हो रही है, रंगों में सराबोर होने की बात हो रही है, तो भला होली की बात हो और पुओं की बात कैसे ना हो। भाई पुआ और होली एक दूसरे के अगर हम कहें कि दोनों में ही बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट वर्ड है लेकिन आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि होली की बात हो रही है, पुआ की बात ना हो कैसे हो। ये पुआ आप देखिए, हाँ मैम देखिए, होली में पुआ बहुत खास होता है, पुआ के बिना होली अधूरा है। होली में जब तक पुआ ना हो तो कोई मजा नहीं है, एक दूसरे का पूरक है, होली पुआ के बगैर नहीं मजा आता है। देखिए वो जो ट्विस्टेड वर्ड मैं कह रही थी अन्योन्याश्रय, ये पूरक है, इसके बिना होली कंप्लीट नहीं होती। लेकिन पुआ बहुत तरह के बनाए जाते हैं, आपके घर में क्या क्या है? रस पुआ बनता है, रस पुआ तो मतलब पुआ बनाने के बाद उसको रस में डुबो करके उसके बाद खाया जाता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। मैम आप पूरी ले रही हैं, पुआ इंटरेस्टेड नहीं है? ये सूजी मैदा काजू किशमिश सभी डाल के पुआ बनाए, वो पुआ खाने में और ही मजा रहता है। जितने नट्स डाले यानी कि जितने भी नट्स आप डालेंगे पुआ उतना ही मजेदार बनेगा। मैं खुद अपने घर में बनाती हूँ, हालांकि इतनी वैरायटीज नहीं आती पर थोड़ी बहुत तो आती है कि अपने घर वालों को खुश करवाओ। अच्छा ये बताइए मैम पुआ पसंद है? ये बिल्कुल पसंद है। कि होली में सभी अपने घर में पुआ बनाती होंगी चाहे वो कोई भी वर्किंग होगी। होली का दूसरा नाम ही है मालपुआ।
मालपुआ हाँ लग रही है कम्प्लीट। होली अधूरा होता है तो होली जैसा त्यौहार में रंगों के त्यौहार में रस मालपुआ का अहम एक भूमिका होता है और ये पकवान हमारे। कितने तरह के पुए बना लेती हैं आप? जी मैं तो केवल मालपुआ बना लेती हूँ और बाकी कितने तरह। देखिए ये मालपुआ बनाने में एक्सपर्ट है, अगली बार जब हम इनके घर जाएंगे तो मालपुआ जरूर टेस्ट करेंगे कि कैसा लगता है। कुछ और भी लेडीज हैं उनसे पूछते हैं। मैम मालपुआ इनके हाथ का वो कह रही हैं बहुत, आप कितने तरह का पुआ बना लेती हैं अपने परिवार वालों के लिए? मुझे तीन तरीके का पुआ आता है, एक दूध पुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, वो दूध डाल के बनता है, एक मालपुआ होता है और एक नॉर्मल वाला पुआ होता है। ये तीन तरीके का पुआ हम लोग के यहाँ बनता है। होली में तीनों स्पेशल है बनना है। ये देखिए ये तीन तरह का पुआ है जो बनना ही है, और भी कुछ लेडीज हैं उनसे भी हम पूछेंगे, लेकिन इन सबके बीच में आपको एक चीज जरूर बताऊंगी कि भले ये पुआ कितने भी तरह का हो मिठास होनी जरूरी है, और ये मिठास सिर्फ पुए से नहीं आती, आपसी तालमेल से भी आती है, परिवार के बीच हम कैसे रहते हैं, और ये होली इसीलिए तो आती है कि सारी दूरियां जो हैं वो मिट जाए, मन में जो भी भेद हैं क्लेश हैं वो मिट जाए और रिश्तों में वो मिठास आए। और इस तरह के पुआ जब घर में पकाए जाते हैं ना तो ये पुआ उन रिश्तों में और मिठास घोलते हैं। आप झारखंड में अगर होली में हैं किसी भी घर में चले जाइए आपको झारखंडी डिश धुसका जरूर मिलेगा, और इसके भी अपने। लेकिन हम बात यहाँ पे हम देखिए कचरी की भी बात हो रही है, लेकिन होली में पुआ इसलिए स्पेशल है ना कि बड़ा जनरल सा चीज़ है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं जो होली सेलिब्रेट करते हैं उनके यहाँ पुआ जरूर मिलेगा, क्योंकि पुआ मिठास घोलता है। कितने पुआ मतलब कितने तरह के पुआ बना लेते हैं? दो तीन तरह के। सूजी पुआ, मालपुआ। मालपुआ आप ही बनाती हैं? भाई मालपुआ बनाने में सब एक्सपर्ट हैं। मैम आप बताइए आप भी मालपुआ बनाती हैं? जरूर मालपुआ, रसपुआ, धुसका, मटन, ये तो होली का फेवरेट डिश है। मीठा खा के जब पूरा मन मीठा हुआ रहता है ना तब आप यही बोलते हैं एक दही बड़ा खिला दो, कुछ ऐसे ही होता है। और खसरा भी है। क्योंकि अगर घर में नहीं बना सकते, समय नहीं मिल रहा, तो आप ये सारी चीजें अगर आप, वैसे भी होली में परंपरा है। देखिए मैं इनसे जरूर पूछूंगी कि बड़े पैमाने पर आप आयोजन करती हैं इन सब चीजों का, कि लोग बड़े आते हैं उस दिन, तो ये धुसका, ये पुआ, ये कचरी, ये बड़ा, थोड़ा सा कैमरा फेस कर लेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये चेहरा इनका, ये पूरा पूरी तरह से शराब हो रहे हैं। क्या क्या बना लेती है? ये देखिए पुआ, इन सबका प्यार है और बनाने के लिए तो हम महिलाएं बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, चाहे खाना बनाना हो या लोगों को बनाना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बनाने में हम महिलाएं बड़ा एक्सपर्ट है। और ये बनाना जो है ना, मजाक से अलग अगर हम बात करें तो वाकई होली हो या फिर किसी और भी पर्व त्यौहार की बात करें, महिलाओं के घर पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप इधर से क्रॉस कर रही हैं, आप भी क्रॉस कर रही हैं, ये बताइए पुआ खा चुकी हैं आप लोग? नहीं अभी जा रहे खाने। जा रही है ना चली जाइए। सब पुआ पे टूट पड़े हैं तो मैं क्यों बाकी रहूं, मैं भी जा रही हूं थोड़ा खा लूं। कौशल कैमरामैन से भी कहती हूं वो भी चले थोड़ा सा खा ले हमारे साथ पुआ, क्योंकि मिठास हमारे लिए भी जरूरी है, और उसके बाद होगा होली का धमाल। देखिए भजन कीर्तन, रंग का नशा, और ये नशा, ये तस्वीर आपके लिए हम स्पेशल इसलिए लेके आए हैं। होली एक ऐसा त्योहार जो सब भूल कर इंसान ये चाहता है कि कुछ इस तरह से इंजॉय करे, सेलिब्रेट करे। आपको दूसरी जगह भी ले चलते, आइए ये देखिए ये तस्वीर। मैं चाहती हूँ कि आप इसे, कौशल आप इसे पूरा दिखाएं। और रंग भर के जुनर दुने ओड़ी जो सर पे, मौज में झूमे सारे भांग रगड़ के, पगड़ी कलाई तेरी भागे जो तू छत पे, तूने लगाया जो गुलाल मेरी शर्ट पे, आगे नशीली बाल पीले हो गए, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए, जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए, चिकारी सारे गीले हो गए, राते लाल दिन गुलाबी शाम नीले हो गए, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए, जोगीरा सारा रा रा, होली।
ठीक लगे जुगाल पे देख तुझे धड़के दिल ताल पे जोगी बन तेरे इश्क में डूबा मलंग रहूं मैं अपने हाल पे हाल पे हाल पे। देखिए ये नाच गाना ये मस्ती रंगों से सराबोर सभी कोई देखिए कैसे मस्ती में झूम रही हैं, सब अपने अपने नशे में हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, वो नशा ही क्या जो आपको कमजोर कर दे, आपको बर्बाद कर दे। नशा जिंदगी का रखिए, नशा इस रंग का रखिए जो आपको रंगीन बनाए, पूरे समाज को रंगीन बनाए, और ये रंग आपकी जिंदगी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ये दौर चलता रहेगा, हम भी इसका लुत्फ उठाएंगे, आप भी लुत्फ उठाइए। लेकिन रंग दे गुलाल मुहिम में आरती सिंह के साथ इतना ही, आपकी होली शुभ हो।